हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रनिंग शूज़ के बारे में कि सबसे बेस्ट रनिंग शूज़ कौन से हैं, एंड साथ ही वो आपके पॉकेट में भी भारी ना पड़े। यानी कि मैं आज आपको दो ऐसे शूज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिनको आप रनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड 1000 रुपीज़ में आपको वो दोनों शूज़ पड़ जाएंगे। यानी कि 500 रुपीज़ के समथिंग, इसके थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसके समथिंग आपको वो दोनों शूज़ पड़ जाएंगे। तो भाइयों चलिए इन शूज के बारे में बात करते हैं। भाइयों ये दोनों ही शूज एशियन मेंस की तरफ से हैं। तो सबसे पहले हैं एशियन मेंस के ये ग्रे वाले शूज। इसका शायद एडिशन है वंडर 12, ऐसा कुछ एडिशन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो भाइयों इन शूज की सबसे ज्यादा खास बात ये लगी कि मुझे पर्सनली बास्केटबॉल खेलने के लिए चाहिए होते हैं, तो उसके लिए भाइयों क्या होता है कि अगर नीचे सोल अगर नॉर्मल होता है, ये केवल वाइट वाला सोल होता है, तो उसमें से घिसने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब मैंने इस तरह के सोल वाले शूज़ लिए थे जिसमें केवल ये वाइट वाइट वाला था, वो शूज़ मेरे केवल और केवल 12 दिन तक चले थे, और 12 दिन उसमें नीचे पूरा छेद हो गया था। तो मतलब बास्केटबॉल ग्राउंड पर जूते बहुत ज़्यादा घिसते हैं। तो ऐसे में इन्होंने एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ दे रखी है, इसमें इन्होंने ये ग्रे कलर की ये पट्टी ऐड कर रखी है, और ये थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं उसको, हार्ड थोड़ा सा मटेरियल है। ये शूज़ बिल्कुल लाइट वेट है, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो इस हिसाब से ये थोड़े लंबे टाइम तक चलेंगे, तो इसकी सबसे ज़्यादा खास बात लगी। इसके अलावा जो रनिंग करते हैं, जो रेगुलर वर्कआउट करते हैं, उनके लिए ये शूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी ऑल ओवर क्वालिटी की बात करें तो ऑल ओवर क्वालिटी सबसे अच्छी है। एंड भाइयों इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये भी है कि ये अमेज़ॉन पे रनिंग शूज़ के अंदर नंबर 1 बेस्ट सेलर है, एंड इनकी प्राइस है मात्र 449 रुपीज़। एंड इस पर भी अगर ऑफर चल रहा हो तो वो अलग बात है। तो 449 में इतनी अच्छी क्वालिटी के शूज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ये मतलब एक तरह से स्टील है। मैंने इनको पहन के भी ट्राई किया है, पहनने में भी ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। मैंने इसका साइज नंबर 9 ऐड किया है। अगर आप रेगुलर 9 नंबर पहनते हैं तो इसका भी आपको 9 नंबर फिट हो जाएगा इजीली, तो आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब भाइयों बात करते हैं एशियन मेंस के ही दूसरे शूज़ के बारे में, जो कि हैं भाइयों ये भाइयों इसमें इन्होंने एक चोट कर दी मेरे साथ छोटी सी, कि मैंने इसमें ग्रे कलर ऐड किया था, ग्रे कलर मतलब ऑर्डर किया था, और इन्होंने मुझे टॉर्कोइस से पता नहीं कौन सा कलर है, जो भी कलर आप इसको बोल सकते हो, ये कलर मुझे सेंड कर दिया। पर हाँ ये कलर भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड इसकी भी क्वालिटी की बात करें तो ये इनका मैं ये कह सकता हूँ कि पहनने के मामले में अगर बात करें तो ये वाला शूज़ इनके मुकाबले ज़्यादा कम्फर्टेबल है। बट भाइयों जो मेरा काम है बास्केटबॉल खेलना, जो मैं अधिकतर मतलब करता हूँ, उसके अंदर ये शूज़ मैं कल पहन के गया था, ये शूज़ कल पहन के गया था, एंड इसकी जो मैं आपको बात बताता हूँ कि ये वाला सोल इसमें दे रखा है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि 12 दिन के बाद में इसमें भी मेरा लेफ्ट वाला जो जूता है यहाँ पे एक छेद पड़ जाएगा। तो इनको मैं एक दिन ही पहना मैंने, और अब नहीं पहनूंगा बास्केटबॉल कोर्ट पे। बट भाई ऑल ओवर इनकी भी अगर क्वालिटी की बात करें, अगर आप रनिंग करते हैं एंड जिम जाते हैं, एंड अगर आपके पास बास्केटबॉल भी खेलते हैं एंड आपके पास बास्केटबॉल का कोर्ट वुडन कोर्ट है, तो उसके ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर इनके ये मतलब नहीं घिसेंगे कुल मिला, तो पहनने के मामले में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है इसमें, ना इसमें पैर ऐसा कुछ दबता है खिंचाता है ऐसा कुछ, और पैर इसमें एक बार जाने के बाद अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। एंड रेगुलरली भाइयों मैं ग्राउंड पे पहनता हूँ फोर्स 10, जिनका कि भाइयों वेट बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो कल मैं जैसे इनको पहन के गया था, तो मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ, मतलब इजीली मतलब मैं जंप कर पा रहा था, और वेट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ये वाला शूज़ भी ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इनके बारे में क्या बात करो, हाँ इनका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से इन शूज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो भाइयों ये दोनों थे रनिंग शूज़ के लिए सबसे बेस्ट शूज़, जो कि बजट फ्रेंडली हैं, आपके पॉकेट में भारी नहीं पड़ते हैं, एंड साथ इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो भाइयों आई होप आज के हमारे इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो में मज़ा भी आया होगा। तो भाई अगर वीडियो में आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड साथ ही फैशन ग्रूमिंग लाइफस्टाइल की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल फैशन निक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश एंड कीप स्माइलिंग।